नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में आबकारी विभाग ने पकड़ी अवैध शराब भट्टी। शिवपुरी के गोपालपुर, इंदरगढ़, कांकर, सतनवाड़ा, सुभाषपुरा में आबकारी विभाग ने अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान आबकारी विभाग ने लगभग 2,90,000 रुपए की अवैध शराब और शराब बनाने की सामग्री जब्त की है। यहाँ बताते चलें कि कलेक्टर अक्षय कुमार के निर्देश में अवैध शराब बेचने व बनाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। आबकारी अधिकारी वीरेंद्र धाकड़ ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि गोपालपुर, इंदरगढ़, कांकर, सतनवाड़ा व आनंदपुर में अवैध शराब बनाने की जानकारी मिली थी, जिस पर वृत्त प्रभारी तीर्थराज भारद्वाज के नेतृत्व में आबकारी विभाग ने इन स्थानों पर दबिश देकर 5,000 किलोग्राम गुड़ लाहन व 40 लीटर हाथ भट्टी शराब व शराब बनाने का सामान जब्त कर नष्ट किया है। इस कार्यवाही में तीर्थराज भारद्वाज, सोनाली त्रिवेदी, दिनेश शर्मा, आबकारी उप निरीक्षक और आबकारी मुख्य आरक्षक एवं नगर सैनिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। व्रत प्रभारी तीर्थराज भारद्वाज ने बताया। शिवपुरी से अजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। श्रीमान कलेक्टर महोदय श्री अक्षय कुमार सिंह जी के निर्देशानुसार श्री वीरेंद्र सिंह धागड़, श्री जिला आबकारी अधिकारी जी के नेतृत्व में अवैध मदिरा के विरुद्ध जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज वृत्त शिवपुरी में ग्राम सतनवाड़ा, सुभाषपुरा, गोपालपुर आदि स्थानों पर दबिश दी गई और दबिश देकर कुल 5,000 किलो गोल्ड लाहन मौके पर नष्ट किया गया। इसके अलावा 40 लीटर हाथभट्टी मदिरा जब्त कर कुल 6 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए, जिनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख रुपये, 2,90,000 के आसपास है।